इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उज्जैन के महाकाल मंदिर से, जहां पर होली के मौके पर भस्म आरती के दौरान सुबह बड़ा हादसा हो गया है। और आरती करने के दौरान गुलाल उड़ाने से वहां गर्भगृह में आग लग गई। आग लगने से मंदिर में अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त आग लगी उस दौरान वहां पर हजारों की तादाद में भक्त मौजूद थे, जो होली का पर्व महाकाल के साथ मना रहे थे। हादसे में 13 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आरती कर रहे पुजारी पर किसी ने पीछे से गुलाल डाल दिया और जो दीपक पर गिरा, जिसके बाद अचानक दीपक से आग लग गई। ऐसी आशंका है कि गुलाल में केमिकल होने की वजह से आग पकड़ ली। इंडिया टीवी पर आप इस हादसे के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरह गुलाल उड़ाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है। आग लगते ही गर्भगृह में हड़कंप मच गया। जो वहां पर भक्त मौजूद थे वो तुरंत बाहर निकलकर भागे, जिसके बाद कुछ लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पाने के लिए भी देखा गया। घायलों में भस्म आरती के मुख्य पुजारी संजय गुरु, विकास पुजारी, मनोज पुजारी, अंश पुरोहित, सेवक महेश शर्मा, चिंतामन गहलोत शामिल है। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त MP के CM मोहन यादव के बेटा और बेटी भी वहां पर मौजूद थे। तो इस हादसे में 13 लोग घायल हो गए हैं और बताया जा रहा है कि आरती कर रहे पुजारी पर किसी ने पीछे से गुलाल डाल दिया और दीपक पर ये गुलाल गिरा, जिसके बाद ही पूरा हादसा हुआ। महाकाल मंदिर में परंपरागत अनुसार जो होली उत्सव बनता है वो बन रहा था। गर्भगृह के अंदर गुलाल के कारण आग भपक पड़ी, उससे मंदिर के हमारे पुजारी परिवार के जो सदस्य लोग थे वो घायल हो गए। हमें तुरंत अस्पताल में लेकर आए, सभी का उपचार चल रहा है। बाबा से यही प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी सब स्वस्थ हो। आज सुबह भस्म आरती के दौरान गर्भगृह के अंदर जब पूजा चल रही थी तो उसमें आग भभकने का मामला सामने आया है, जिसमें 13 लोग उनको बर्न्स की इंजरीज हुई हैं। उनको जिला अस्पताल में यहाँ पे भर्ती किया गया, उनका इलाज किया जा रहा है। इंक्वायरी अभी की जाएगी पूरे कारणों को लेकर के, लेकिन प्रारंभिक तौर पर गर्भगृह के अंदर घटना हुई है। किन पदार्थों के कारण ये आग भभकी है, इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी। हमारे साथ संवाददाता अनुराग अमिताभ भी जुड़ गए हैं। अनुराग, फिलहाल क्या स्थिति है और जो घायल हुए उन पुजारियों की हालत क्या बता रहे हैं डॉक्टर्स? देखिए अमित, ये जो घटना हुई है उसके बाद हालात जो है सामान्य हो चुके हैं। पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है और जो पुजारी समेत जो तकरीबन 14 लोग जो झुलस गए थे उनमें से कुछ की हालत ठीक न होने के चलते उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। 14 लोग जो है वो इस पूरे जो सुबह भस्म आरती का जो ब्रह्म मुहूर्त भस्म आरती होती है उस दौरान जो ये पूरा अग्निकांड हुआ है उससे झुलसे हैं। 9 लोगों को तकरीबन बताया जा रहा है कि इंदौर रेफर किया गया है। 14 लोग मुख्य पुजारी समेत जो है झुलसे थे और घटना की मजिस्ट्रेटियल जांच की भी कर दी गई है, क्योंकि गर्भगृह के अंदर हुआ है। इस दौरान भस्म आरती के दौरान देश विदेश के साथ साथ काफी पर्यटक भी आते हैं, ऐसे में प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए जो है इसके मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए। दरअसल पूरी जो घटना है ब्रह्म मुहूर्त में ये जो है भस्म आरती होती है और चूंकि होली है, होली के पहले भी एक दिन पहले जब होली जलती है तो ये महाकाल परिसर में ही होली जलाई जाती है और महाकाल को सबसे पहले होली का जो है भस्म आरती होती है। उस समय गुलाल किसी ने फेंका बताया जा रहा है, जिसमें कुछ केमिकल लगे हुए थे जिसके चलते ये पूरी आग बढ़ गई। इसके अलावा जो चांदी की परतें हैं, बताया जा रही है कि जो दीवारें हैं उसमें चांदी की परतें लगाई गई है, उसे बचाने के लिए कुछ फ्लेक्सेस भी लगाए गए थे जो जलती आग के कारण उसमें भी आग लगी। फायर एक्सटिंग्विशर से हालांकि बुझाया गया, इंतजाम तमाम थे, लेकिन जिस तरीके से आग भड़की छोटी सी जगह है। लेकिन अनुराग, यानी कि अभी जो आप बता रहे हो कि हालात अभी सामान्य हो गए हैं और ये जो हादसा हुआ उसके बाद हालात सामान्य हो गए हैं और घायलों को इलाज के लिए भी भर्ती करा दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।